सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये खबर आ रही है CISCE की तरफ से, जहां पर 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर आपको 10वीं में अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो कर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ से आज की डेट में अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE कक्षा 10 के छात्रों को 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर औसत अंक देगा। काउंसिल से संबद्ध सभी स्कूलों से इन छात्रों को पिछले 2 साल का जो है रिकॉर्ड मांगा गया है, यानी अब आपको जो प्रमोशन मिला है उस पर आपको यहाँ से जो है वो नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, CBSE की तरह CISCE ने भी कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और नई मूल्यांकन नीति से अंक देने का जो है वो निर्णय लिया है। हाल ही में स्कूलों के प्रतिनिधि व काउंसिल के सचिव गेरी अर्थून के साथ जो बैठक हुई है, इसमें स्कूलों के छात्र छात्राओं को परिणाम तैयार करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और 15 मई तक कक्षा 9-10 का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मांगा गया है। छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, होम एग्ज़ाम, प्रीबोर्ड परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क आदि से मिले अंक के आधार पर जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर यही खबर है कि आपको जो है प्रमोशन आपके पिछले 2 साल के आधार पर दिया जाएगा। कक्षा 10 में यदि आप हैं तो आपने जो भी कक्षा 9 और कक्षा 8 के जो है आपका रिकॉर्ड होगा और जो भी कक्षा 10 का रिकॉर्ड होगा, इन तीनों रिकॉर्डों को जो है वो मिलाकर आपको नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप इस बात से कितना खुश हैं वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप ये बताइए आप उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पढ़ते हैं। धन्यवाद।